बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ हीरो फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किए और सुपरस्टार बन गए। उसके बाद उनके पास इतनी सारी फिल्में थी कि कतार ही लग गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस फिल्म के हीरो जैकी श्रॉफ नहीं बल्कि संजय दत्त थे। दरअसल ये किस्सा बड़ा पुराना है, आपको हम सुना ही देते हैं। सुभाष घई साहब ने संजय दत्त को अपनी दो फिल्मों में साइन किया था, एक फिल्म का नाम था विधाता और दूसरी फिल्म का नाम था हीरो। दरअसल संजय दत्त की डेब्यू फिल्म से सुभाष घई इतने ज़्यादा प्रेरित हो गए थे कि उन्हें साथ लेकर दो फिल्में बनाना चाहते थे। लेकिन शूटिंग सबसे पहले विधाता फिल्म की शुरू की। विधाता फिल्म में शम्मी कपूर साहब भी थे, दिलीप कुमार साहब भी थे, और अक्सर हुआ यूं करता था कि दिलीप कुमार और शम्मी कपूर साहब मौके से तो आ जाते थे, समय से आते थे, लेकिन संजय दत्त घंटों लेट आते थे। कभी कभी तो आते भी नहीं थे, शूटिंग को कैंसिल करना पड़ता था। इस बीच काफ़ी नुकसान हो रहा था, पैसों का भी और फिल्म का भी। दिलीप कुमार साहब वहाँ अलग ही नाराज़ हो रहे थे, शम्मी कपूर भी अलग ही नाराज़ हो रहे थे। वजह जो सबसे बड़ी थी संजय दत्त के समय से ना आने की या खड़ा कर देने की या नुकसान करने की, वो था नशे का लत। उन दिनों संजय दत्त नशे के लत में इस तरह से डूबे हुए थे कि उन्हें फिल्मों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे। ड्रग का नशे ने ही उन्हें जो है कई फिल्मों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। आखिरकार जैसे तैसे सुभाष घई ने विधाता फिल्म की शूटिंग पूरी की, लेकिन हीरो में संजय दत्त को नहीं लिया और जैकी श्रॉफ को हीरो बनाया।